कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले वो भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले हमारे भीम थे। बस सबसे पहले विश्व गुरु तथागत महात्मा बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के 128वें जन्म दिवस के अवसर पे आप सभी को हार्दिक स्वागत बधाई देता हूँ और यहाँ इस सभा में उपस्थित सभी लोग को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी मैं अविनाश लखन पटपरा मुगलसराय के धरती से आया हुआ आप ही के समाज में एक बहुत छोटी सी चीज आप लोग के सामने बोलने का मुझे मौका मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बाबा साहब के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि उनकी तारीफें और संघर्षों का हम अगर विवेचना करें तो शायद वो बहुत ही कम है, क्योंकि उनका जो संघर्ष और उनका जो योगदान हमारे समाज में दिया हुआ है, ये माइक पकड़ने का जो हमें अधिकार है, हमारे हमें लिखने का अधिकार है, जो आप बोलने का अधिकार है वो उन्हीं का दिया हुआ है, तो उनका तारीफ करना मतलब सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा मेरे हिसाब से। बाबा साहब का जो संघर्ष था, जो भी उनका योगदान समाज में रहा, जो भी उनका मिशन था, ये था इंसानियत पे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये हम हैं क्या। जातिवाद तो बहुत ही करते हैं, सभी करते हैं लगभग, हम क्या कर रहे हैं सबसे बड़ी बात। क्योंकि बाबा साहब का जो काफिला था, जो मिशन था, उसमें उन्होंने सभी का वेलकम किया, सभी को अपने पास जोड़ने का वो किया, क्योंकि वो एक इंसान थे। हम धरती पर पैदा होते हैं तो हम सबसे पहले एक इंसान होते हैं और इंसानियत के नाते हमें सबको लेकर चलना है, सबके मजबूरी और उनके तकलीफों को समझना होगा, हमारे समाज को जगाते रहना होगा। और रही बात हमारे एकता की, बाबा साहब कहते हैं कि संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। शिक्षित जैसा कि बहुत ही देखा होगा आपने, शिक्षा का अभाव अभी भी हमारे समाज में बहुत है। नून रोटी खाएंगे गाना आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि नून रोटी खाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये बाबा साहब का सबसे पहला संकल्प था कि हमारा जो समाज है वो हमारा समाज शिक्षित हो। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो जागरूक होगा, जागरूक होगा तो किसी से दबेगा नहीं। अच्छा एक कुछ दो शब्द कहना चाहूंगा मैं बाबा साहब के लिए, किसी के पेट से सांप तो किसी के पेट से खाक पैदा होता है, किसी के पेट से सांप तो किसी के पेट से खाक पैदा होता है। एक हमारी माता थी भीमा भाई, जिनके पेट से मनुवादियों का पाप पैदा हुआ। इनके हमारे जितने भी महापुरुष हैं, इनके संघर्षों को तो हम अपने जुबान से विवेचना नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे घर की ईंटें हैं, जो हमारे घर का नींव जो डाला गया है, वो उनके बलिदानों से डाला गया है। और हमारे किसी भी ना तो हमारा जो हम धर्म कह लें चाहे कुछ भी कह लें, किसी भी ऋषि मुनि ने अपने कमंडल से एक अजूरी पानी करके छिड़क के कोई घर नहीं बनाया है। हमारा जो घर है हमारे महापुरुषों के बलिदानों और योगदानों से बना है, उनकी देन है कि आज हम यहाँ खड़े हैं और हमारे सर पे छत है। तो इस चीज का हमें पे बैक टू अवर सोसाइटी, हमें अपने कर्म को, अपने सहयोग को, हमें अपने समाज में उसका योगदान देना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, या हमारा विचार हो, या हमारा शिक्षा हो, या फिर हमारा धन ही क्यों ना हो। ये समाज ही हमें लेके चलता है, ये समाज ही हमें जोड़ के रखा है। इस समाज का हमें सबसे बड़ा धन्यवाद देना पड़ेगा। जिस समाज को, जिस कौम को बाबा साहब ने उठाया है, हमें इस समाज से जुड़ के रहना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर हमें मतभेद नहीं करना होगा। एकता की बात कहते हैं, बहुत ज्यादातर इतिहास और किस्से कहानियां तो मशहूर हैं हमारे राजपूतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, माफ करिएगा ब्राह्मण में जाति सूचक शब्द का यूज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जैसा कि सुना होगा आपने, पद्मावती, रानी पद्मावती ने बहुत एक बार हार तोड़ देता है तो बहुत सारे किस्से मशहूर होते हैं कि इन्होंने इस महल में इतना हार तोड़ दिया था, इतने करोड़ों का हार तोड़ दिया था। सबसे बड़ी बात हमें ये उनमें से ये टटोल के निकालना पड़ेगा भाइयों कि हार में टूटता क्या है, टूटता तो धागा है, बाकी सब बिखर जाता है। हमें वो धागा बनना होगा अपने समाज के लिए। हमें उस धागे की तरह सबको ये बात बताने हो, कितने भी तुम कीमती हो क्यों ना हो जाओ, कितने भी तुम कीमती क्यों ना हो जाओ, यही जो धागा है जोड़ कर रखेगा, हम वो धागा है। अगर टूट गए तब भी समझा देंगे और अगर जुड़ गए तब भी आपको समझा देंगे कि हमें वो धागा बनना पड़ेगा अपने समाज का, जो सबको लेके चले।
बातें तो बहुत है कहने के लिए आप सभी के बीच में, बहुत छोटी सी चीज हम आप लोग को मुझे बोलने का मौका दिया, थोड़ा बहुत लिख लेता हूं। मैं एक कविता बोलना चाहूंगा, अम्बेडकर जयंती पे ही लिखी थी मैंने, बहुत अच्छी सी कविता है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने इसमें पूरे अपने समाज को लेके और सभी को जोड़ा है, धरती से, समाज से, माँ बाप से लेके उस पंडित का, पंडित को भी, उस प्रशासन को भी जो हमें प्रताड़ना देती है, सभी को जोड़ा है। मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान गौर दीजिएगा, गौर कीजिएगा। मैं कर्जदार इस धरती का, इस धरती में ही जन्मा हूं। मैं कर्जदार इस धरती का, इस धरती में ही जन्मा हूं। मैं कर्जदार उस माँ का जिसने इस मिट्टी से मिलाई है। मैं कर्जदार उस बाप का जिसकी परछाई पाई है। मैं कर्जदार उस बाप का जिसकी परछाई पाई है। मैं कर्जदार उस पंडे का जिसने औकात बताई है। मैं कर्जदार उस पंडे का जिसने औकात बताई है। मैं कर्जदार उस डंडे का जो भी हमारे समाज के जो भी हमने खाई है। मैं कर्जदार उस बाबा का जिसने ये कलम थमाई है, जिसने ये कलम थमाई है। दो लाइन और है इसमें। इस धरती पे जन्मा हूं, इस मिट्टी में मर जाऊंगा। जब तक जिंदा हूं बाबा, तेरा कर्ज चुकाऊंगा। मैं कर्जदार धन्यवाद आप सभी ने। एक बहुत छोटी सी चीज, मैं परपरा का निवासी, शायद आप मेरे पिताजी को जानते भी होंगे, कमांडेंट सीआरपीएफ कमांडेंट राम लखन जी, वो मेरे पिताजी हैं। तो मैं बस अपने वाले को विराम देता हूँ, आप बहुत सभी लोग को बोलना है यहाँ पे। तो जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, धन्यवाद।